गुना शहर में स्वच्छता अभियान के नाम पर इमरजेंसी जैसे हालात बना दिए गए हैं। स्वच्छता अभियान में जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। प्रशासन लगातार चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रही है। शहर में स्वच्छता के लिए केंद्र से 3.5 करोड़ रुपए की राशि आई है, लेकिन अधिकारियों द्वारा यह जानकारी आमजन से छुपाई गई। ये सब बातें नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा ने प्रेस वार्ता में कही। दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष सलूजा ने नगर पालिका बैठक हॉल से पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर साजिश पूर्वक हटाए जाने को लेकर पत्रकार वार्ता बुलाई थी, जिसमें उन्होंने शहर में चल रहे स्वच्छता अभियान और अतिक्रमण को लेकर प्रशासन पर सीधा हमला बोल दिया। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका हॉल से पीएम की तस्वीर हटाए जाने की निंदा करते हुए मामले की जांच कराने कर तस्वीर दोबारा लगाई जाने की मांग की है। पत्रकार वार्ता में सलूजा के निशाने पर इस बार सीधे तौर पर जिलाधीश एवं मिशन 10 के कुछ खास ब्रांड एम्बेसडर रहे। नगर पालिका के विकास कार्यों की फाइलों के वेरिफिकेशन में हो रही देरी के लिए उन्होंने सीधे तौर पर कलेक्टर और नगर पालिका अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। डस्टबिन का टेंडर लगाया है, सीएमओ साहब कह रहे हैं कि मैंने कोई टेंडर नहीं लगाया डस्टबिन का और ये ऑनलाइन टेंडर है और उसमें साइज नहीं खोली। 20 गाड़ियों का टेंडर लगाया जिसमें उन्होंने लिख दिया कि अशोक लीलैंड से लिए जाएं, तो कल ठेकेदार को हम चिन्हित कर दें कि विक्रम सीमेंटी लगाएं, ACC लगाएं, हमको चिन्हित करने का अधिकार नहीं है। कल कितने का टेंडर है? ये 24 गाड़ियों का टेंडर लगाया और 20 गाड़ियों का टेंडर लगाया। कचरा गाड़ी लेना चाहिए अगर हमारे पास बजट है तो, और बजट नहीं है तो बजट बताएं कब आएगा बजट।